हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की बुक समरी है एटॉमिक हैबिट्स, जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। एटॉमिक हैबिट्स में हम आदतों के बारे में जानेंगे कि आखिर किस तरह से हमारी आदतें बनती हैं, क्यों हम उन्हें अनजाने में बार बार दोहराते हैं और क्यों उन्हें छोड़ना इतना मुश्किल होता है। यह किताब हमें अच्छी आदतों को अपनाने और बुरी आदतों को छोड़ने के तरीके बताती है। सुबह उठकर ब्रश करना, नहाना, हर रोज उसी रास्ते से काम पर जाना, लौटते वक्त हमेशा उस एक होटल में खाना खाना, हमेशा उस एक बगीचे में घूमने जाना, अपना मोबाइल इस्तेमाल करना और न जाने कितने ऐसे काम हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में बिना सोचे समझे करते हैं। हमारा दिमाग हमेशा आराम खोजता है, जिससे वह आदतें बना लेता है ताकि उसे हर बार सोचना ना पड़े। लेकिन इन आदतों के नतीजे बहुत अच्छे या बहुत खराब हो सकते हैं। यह किताब हमें उन वजहों के बारे में बताती है जिससे हम किसी भी आदत को अपनाते हैं। यह हमें बताती है कि क्यों किसी आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है और क्यों किसी अच्छी आदत को अपनाना मुश्किल होता है। साथ ही यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम खराब आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को आसानी से अपना सकते हैं। इसे पढ़कर हम सीखेंगे कि छोटे काम छोटे क्यों नहीं होते, आदतें किस तरह से बनती हैं, किसी उबाऊ काम को मज़ेदार किस तरह से बनाया जा सकता है। तो बढ़ते हैं इसके पहले चैप्टर की ओर। छोटे छोटे कामों का नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। जब आप हर रोज़ कसरत करते हैं तो एक दिन में आप कभी सेहतमंद नहीं बनते, लेकिन एक दिन ज़रूर आपकी सेहत ठीक हो जाती है। वैसे ही जब आप हर रोज़ बाहर का खाना खाते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन कुछ साल के बाद जब आप अपनी पुरानी फ़ोटो देखते हैं तो आपको पता लगता है कि हर रोज़ के उस खाने ने आपके सेहत पर क्या असर डाला है। हम हर रोज़ ऐसे न जाने कितने काम करते हैं जो या तो अच्छे होते हैं या बुरे। हमें लगता है कि उस छोटे से काम का नतीजा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उस छोटे से काम को लगातार करते रहने से हम न जाने कितने पीछे या आगे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक व्यक्ति इंटरनेट पर हमेशा जानकारी की चीज़ों को सर्च करे और एक व्यक्ति हमेशा मनोरंजन सर्च करे, हालांकि देखने में तो लगता है कि वे दोनों इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 10 साल के बाद उनके बीच का अंतर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक कामयाब और सेहतमंद रहें तो अपने उन हर रोज़ की आदतों को पहचानने की कोशिश कीजिए। यह देखने की कोशिश कीजिए कि वो काम आपको आगे ले जा रहा है या पीछे। यह देखिए कि वो काम अच्छा है या बुरा। इसके बाद फैसला कीजिए कि आपको वो काम हर रोज़ करना चाहिए या नहीं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप आज कोई नया काम कर रहे हैं तो खुद से सवाल कीजिए कि अगर आप इस काम को अगले 10 साल तक लगातार करते रहें तो आपके ऊपर इसका क्या असर होगा। इस तरह से आप यह पता कर सकते हैं कि वो काम आपको करना चाहिए या नहीं। अगर आप अपनी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा अच्छे अच्छे गैजेट्स या सुख सुविधा खरीदने में बिताते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप खुद को आराम दे रहे हैं और 10 साल के बाद भी आप उतना ही पैसा कमाएंगे जितना आज कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा खुद को पहले से ज़्यादा समझदार बनाने में या फिर कहीं इन्वेस्ट करने में खर्च करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अब से 10 साल बाद शायद आप बहुत कम काम करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे होंगे। चैप्टर 2, हम उन कामों को बार बार करते हैं जिनसे हमें कुछ इनाम मिलता है। आप ज़रा सोचिए कि आप कौन से काम हर रोज़ करते हैं। आप यह सोचिए कि आप वो काम क्यों करते हैं और अगर आप वो काम ना करें तो आपको किस तरह से परेशानी होगी। हम में से ज़्यादातर लोगों की आदत होती है सुबह उठकर ब्रश करना। अगर आप 2 दिन ब्रश ना करें तो आपको मुंह से बदबू आने लगेगी और वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे शब्दों में, ब्रश करने से आपको एक इनाम मिलता है जिसे पाने के लिए आप हर दिन उस काम को दोहराते हैं। इसे साबित करने के लिए कुछ साइकोलॉजिस्ट ने एक बंदर पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उस बंदर को एक पिंजरे में बंद किया और उसके सामने एक लीवर और एक कंप्यूटर रखा। उस कंप्यूटर पर जब लाल रंग की लाइनें दिखाई जाएं और उसके बाद लीवर को खींचा जाए तो बंदर को खाने के लिए फल मिलते थे। बंदर इस बात को समय के साथ समझ गया और फिर वह ध्यान लगाकर स्क्रीन की तरफ देखने लगा। जैसे ही लाल रंग की लाइनें उसे दिखती, वो लीवर खींच देता और उसे खाने के लिए फल मिल जाते। इस तरह से एक इनाम पाने के लिए वो बार बार उस काम को करने लगा। किसी भी काम को करने के लिए हमें एक क्यों की ज़रूरत होती है, जो हमें यह बताती है कि उस काम को करने का वक्त आ गया है।
एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोग अपनी तनाव से छुटकारा पाने के लिए शराब का सहारा लेते हैं। जब भी वे तनाव में आते हैं तो यही उनका क्यों होता है जो उन्हें बताता है कि शराब पीने का वक्त आ गया है। इसके बाद हर काम को करने के लिए हमें एक इनाम मिलता है जिसे पाने के लिए हम बार बार उस काम को करते रहते हैं। जब उस व्यक्ति को शराब पीने के बाद राहत मिल जाती है तो वो व्यक्ति फिर से तनाव में जाने के बाद शराब को याद करता है। इस तरह से लगभग हर एक आदत इसी पैटर्न को अपनाती है। कुछ खराब आदतें भी हैं जिन्हें अपनाने से हमें कुछ वक्त के लिए आराम या मज़ा मिलता है, लेकिन लंबे समय के लिए वे हमारे लिए नुकसानदायक हैं। लेकिन फिर भी हम उन कामों से मिलने वाले इनाम को पाने के लिए उन कामों को करते रहते हैं। हम खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पाते। आने वाले चैप्टर में हम इसके सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। चैप्टर 3, नई आदतों को बनाने के लिए आपको अपना माहौल बदलना होगा। अब जब आप जान गए हैं कि हमारी आदतें किस तरह से बनती है, तो आइए उसका इस्तेमाल करके यह जानने की कोशिश करें कि किस तरह से आप नई आदतों को आसानी से अपना सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें एक खास काम करने के लिए उकसाती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कभी एक रेस्टोरेंट के सामने से गुजरते हैं और वहाँ से खाने की खुशबू आती है तो आप वहाँ पर खाने के लिए चले जाते हैं। उस खुशबू ने आपको ऐसा करने के लिए उकसाया। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी नए काम को अपनी आदत बनाना चाहते हैं तो उन चीज़ों को हमेशा अपने पास रखिए जो आपको वो काम करने के लिए उकसाए। अगर आप हर रोज़ सुबह कसरत करने की आदत डालना चाहते हैं तो अपने कमरे में सेहत से रिलेटेड फ़ोटो लगा दीजिए ताकि हर रोज़ सुबह उठते ही आप अपनी सेहत बनाने के लिए कसरत करें। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा और सेहतमंद खाना खाएं तो अपने फ्रिज में हमेशा सेहतमंद खाना रखिए। हो सके तो सेहतमंद लोगों के साथ रहना शुरू कर दीजिए ताकि उनकी सेहत देखकर आपका मन करे कि आप भी उनकी तरह सेहत बनाएं, और इस तरह से आप हमेशा अच्छा खाना खाएंगे। इसके अलावा एक तरीका यह है कि आप उस नए काम को अपनाने की अच्छी प्लानिंग करें। एग्जाम्पल के लिए, आप खुद से सिर्फ ये मत कहिए कि आप अब से अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, बल्कि आप ऐसा करने के लिए एक अच्छा प्लान बनाइए। आप यह तय कीजिए कि आप रोज़ सुबह उठकर क्या करेंगे, कौन सा खाना खाएंगे। अगर कभी आपको पिज़्ज़ा खाने का मन करे तो आप खुद को कैसे रोकेंगे, किस तरह के लोगों के साथ रहेंगे, अपने फ्रिज में कौन कौन से खाने को रखेंगे। इस तरह से आप पूरे तैयार हैं और अब इस बात की संभावना बढ़ गई है कि आप वाकई में उस काम को करेंगे। चैप्टर 4, एक नई आदत को अपनाने के लिए खुद को एक इनाम दीजिए। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि हर काम को करने से आपको एक इनाम मिलता है, इसका इस्तेमाल करके आप अपने अंदर बहुत सी आदतों को बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेहत बनानी है तो आपको सेहतमंद खाना खाना होगा, लेकिन सेहतमंद खाना खाने से आपको मज़ा नहीं आता, तो किस तरह से आप इस आदत को अपना सकते हैं। इसका आसान सा तरीका यह है कि उस काम को किसी ऐसे काम से जोड़ दीजिए जिसे करने में आपको मज़ा आता हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कहानियों का शौक है तो खुद से कहिए कि अगर इस हफ्ते आप हर दिन सेहतमंद खाना खाएंगे तो आप संडे के दिन एक कहानी पढ़ सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर आपको अपना काम समय के अंदर पूरा करना है तो आप खुद से कहिए कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप संडे को मूवी देख सकते हैं। जब हम किसी काम से मिलने वाले इनाम के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का एक हार्मोन निकलता है जिससे हमें अच्छा लगता है। इसलिए कुछ लोगों को दिन में ख्वाब देखने की आदत पड़ जाती है क्योंकि वे खुली आंखों से सपने देखकर खुद को मर्सिडीज़ में घुमाते रहते हैं और इससे ही उन्हें मज़ा आता है। यह खूबी हम सभी में होती है और इसीलिए अपनी अगली ट्रीट के बारे में सोचने ही से आपको अच्छा लगने लगेगा। लेकिन वो ट्रीट आपको तभी मिलेगी जब आप अपना काम पूरा करेंगे, इसलिए उसे पाने के लिए आपका उस काम में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। साइकोलॉजिस्ट ने डोपामिन के महत्व को समझने के लिए चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उनके दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक रॉड डालकर उनके डोपामिन का निकलना बंद कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि उन चूहों ने खाना पीना तक छोड़ दिया। उन्हें भूख तो लगती थी लेकिन खाना खाने के बाद जो आराम मिलता है वो नहीं मिलता था। अब क्योंकि उन्हें उस काम को करने में मज़ा नहीं मिल रहा है, उन्होंने वो काम करना छोड़ दिया। कुछ दिनों में प्यास के मारे उनकी मौत हो गई। इसलिए अगर आप बोरिंग से बोरिंग काम को पूरा करने पर खुद को एक ऐसा इनाम देने का वादा करें जिसके बारे में सोचने ही से आपको अच्छा लगता हो तो आप उस काम को आराम से पूरा कर लेंगे। चैप्टर 5, हम उन चीज़ों को अपना लेते हैं जो आसान होते हैं।
हमारे दिमाग को आराम पसंद है, इसलिए वो हमेशा उन कामों को करना पसंद करता है जो आसान होते हैं। तो अगर आपको एक नई आदत बनानी है तो आपको उसे इतना आसान बनाना होगा कि आप उसे आसानी से अपना लें। ठीक इसी तरह अगर आपको एक बुरी आदत को छोड़ना है तो आपको उसे इतना मुश्किल बनाना होगा कि आप उसे छोड़ दें। सबसे पहले बात करते हैं बुरी आदतों को छोड़ने की। इसके लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो काम आपके लिए मुश्किल हो जाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप फेसबुक कम चलाएं तो आप उसके ऐप को अपने फ़ोन से डिलीट कर दीजिए, और साथ ही जब भी आप ब्राउज़र से फेसबुक इस्तेमाल करें तो हर बार उसे साइन आउट कर दीजिए। इस तरह से आपको फेसबुक चलाने के लिए बार बार गूगल पर उसे सर्च करके बार बार लॉगिन करना होगा, जिससे यह काम मुश्किल हो गया। अब आप आसानी से इसे छोड़ देंगे। ठीक इसी तरह से अगर आप सुबह उठकर जॉगिंग करने के लिए सोच रहे हैं तो अपने जूतों को हमेशा अपने बेड के नीचे रखिए। अपनी जॉगिंग ड्रेस को अपने सामने कहीं रखकर सोइए, ताकि सुबह उठकर आपको सिर्फ भागने जाना हो। दूसरा तरीका यह है कि आप किसी आदत को अपनाने के लिए 2 मिनट के नियम को अपनाइए। हमारा दिमाग छोटे कामों को पसंद करता है क्योंकि वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए आप खुद से यह मत कहिए कि आप हर हफ्ते एक किताब पढ़ेंगे, बल्कि यह कहिए कि आप सिर्फ 2 मिनट तक या सिर्फ 2 पेज पढ़ेंगे। इस तरह से हर रोज़ आप यह छोटे छोटे काम करते रहेंगे और एक समय आएगा कि आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। इन सब के लिए सबसे पहले आपको शुरुआत करनी होगी, बिना उसके आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। चैप्टर 6, अपनी अच्छी आदतों को एक बार दोहराने पर खुद को कुछ इनाम दीजिए। पहले के वक्त के लोगों को सिर्फ खाने की, रहने की और खुद को सुरक्षित रखने की चिंता रहती थी। वे जंगलों में खाने के लिए घूमते थे और जब उन्हें खाना मिल जाता था तो वे आराम से बैठ जाते थे। लेकिन आज के वक्त में हम भविष्य के बारे में सोचते हुए काम करते हैं। हालात बदल गए हैं लेकिन हमारी मानसिकता वही है। हम लंबे समय को देखते हुए काम करना तो चाहते हैं लेकिन उसे कर नहीं पाते। एग्जाम्पल के लिए, हम शराब पीते हैं क्योंकि उससे हमें तुरंत राहत मिलती है, लेकिन वो 20 साल के बाद कैंसर का रूप ले लेगा। हमें यह पता है लेकिन हम फिर भी उसे पीते हैं क्योंकि हमें उससे तुरंत राहत मिलती है, और यही हमारी मानसिकता है। लेकिन कसरत करने का फ़ायदा शायद हमें 2 साल के बाद देखने को मिले, उससे हमें तुरंत फ़ायदा नहीं मिलता, इसीलिए हम वो काम नहीं करते। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी तरह से अच्छी आदतों को एक बार दोहराने से खुद को किसी तरह का इनाम दे सकें तो हम उसे जल्दी ही अपना लेंगे। एग्जाम्पल के लिए, एक व्यक्ति को यूरोप घूमना था और साथ ही उसे बाहर खाना खाने की आदत थी। वो अपनी इस आदत से छुटकारा पाकर घर का सेहतमंद खाना खाना चाहता था, इसलिए उसने अपने घर में ही एक अकाउंट खोला जिसका नाम उसने ट्रिप टू यूरोप रखा। जब भी वो खुद को बाहर खाना खाने से रोक लेता तो वो उन पैसों को अपने उस अकाउंट में डाल देता। इस तरह से उसे यह देखकर खुशी मिलती थी कि उसका सपना पूरा होने वाला है, और इस खुशी को पाने के लिए वो बार बार वो काम करने लगा। कुछ वक्त के बाद उसकी बाहर खाने की आदत छूट गई। चैप्टर 7, खुद को एक कॉन्ट्रैक्ट पर रखिए और अपनी अच्छी आदतों को ना दोहराने के लिए खुद को सजा दीजिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन 20 साल की उम्र में अपने साथ एक नोटबुक रखते थे जिसमें वे उन 13 गुणों को लिखते थे जिन्हें उन्हें अपनाना है। अगर वे किसी दिन अपने सारे अच्छे कामों को दोहराते थे तो उस दिन वे उन सब पर टिक कर दिया करते थे, और जिस दिन वे अपनी कुछ आदतों को किसी वजह से नहीं दोहरा पाते थे तो वे उसे क्रॉस कर देते थे। इस तरह से उन्हें समय के साथ यह पता लगने लगा कि वे किस हद तक अपनी अच्छी आदतों को अपना रहे हैं। जिस दिन वे अपने सारे काम करते थे उस दिन वे सारे कामों को टिक कर दिया करते थे, जिससे उन्हें एक सुकून मिलता था। उस सुकून को पाने के लिए वे हर रोज़ अपनी उन अच्छी आदतों को दोहराते गए, और उनकी कामयाबी के बारे में हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक इसी तरह से आप अपने पास एक ट्रैकर रखिए जिससे आपको यह पता लग सके कि आप कौन से काम कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं। जब आप भी अपने सारे कामों को पूरा होता हुआ देखेंगे तो आपको सुकून मिलेगा, और इस तरह से आप यह पता लगा पाएंगे कि अब से 10 साल बाद आप कामयाब होंगे या नहीं। इसके अलावा आप खुद को हैबिट कॉन्ट्रैक्ट पर रखिए। आप अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक डील साइन कीजिए। अगर किसी रोज़ आप अपनी अच्छी आदतों को दोहराने में नाकाम होते हैं तो खुद को सजा दीजिए। ब्रायन हैरिस एक एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने फैसला किया कि वे अपना वज़न कम कर रहे हैं,
जिसके लिए उन्होंने लिखा कि उन्हें किस तरह का खाना खाना है और कैसे कसरत करनी है। अगर वे किसी दिन वो सब काम नहीं कर पाते तो वे अपने ट्रेनर को $100 और अपनी पत्नी को $500 देते थे। इस तरह से वे अपने काम को ईमानदारी से करने लगे। जब हमें लगता है कि हम अपने प्यार करने वालों के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे तो हम उस काम को नहीं करते हैं। जब ब्रायन को लगा कि उन्हें अपनी पत्नी और अपने ट्रेनर के सामने अपना काम पूरा ना करने के लिए शर्मिंदा होना होगा तो वे अपना काम हर रोज करने लगे। इस तरह से आप भी खुद को एक कॉन्ट्रैक्ट पर रखकर अच्छी आदतों को अपना सकते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं कंक्लूजन पर। हम समय के साथ नई नई आदतें बना लेते हैं क्योंकि उस काम को करने से हमें कुछ ना कुछ इनाम मिलता है। उस इनाम को पाने के लिए हम बार बार उस काम को दोहराते हैं। अगर हम किसी अच्छे काम को दोहराने के लिए खुद को इनाम दें तो हम उस आदत को आसानी से अपना लेंगे। ठीक उसी तरह अगर हम अपनी बुरी आदतों को दोहराना खुद के लिए मुश्किल बना दें तो हम उसे आसानी से छोड़ देंगे। तो दोस्तों, यही इसी मोड़ पर ही समरी खत्म होती है। आप कौन सी बुरी हैबिट छोड़ना चाहते हैं या नई हैबिट को डालना चाहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।